नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप सभी को मेरा YouTube चैनल टेक इट इजी में स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं कोई अनबॉक्सिंग वीडियो या रिव्यू वीडियो नहीं लेके आया। आज दोस्तों मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, एक टेक्निकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आम तौर पे हम सुनते आते हैं, तो उसी को मैं आप सभी के साथ या मेरा जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, आप हाल ही में कोई स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच या कैमरा वगैरह खरीदे हैं? आप अगर खरीदे हैं या ऑनलाइन स्टोर पे आप उसका स्पेसिफिकेशंस वगैरह सर्च करते हैं तो आपको एक टर्म बहुत कॉमन लगा होगा, वो टर्म है IP68 या IP67, IP66। ऐसे डिफरेंट टर्म नंबर के साथ हमें मिलता है। तो आपको पता है इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में इस IP68 या IP67 जो भी है इसका पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आईपी रेटिंग देते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके लिए। दोस्तों, ये जो IP68 या IP67 जो भी है, इसका पहले आई स्टैंड्स फॉर इंग्रेस, पी फॉर प्रोटेक्शन, और उसके बाद दो न्यूमेरिक डिजिट आते हैं, उसमें कुछ उसका क्वालिटी बताया जाता है। तो इसका एक चार्ट है, मैं वीडियो के साथ साथ आपको वो चार्ट भी दिखाने वाला हूँ। आईपी रेटिंग का ये मतलब है कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल यानी कि कोई सॉलिड पार्टिकल या तो कोई लिक्विड पार्टिकल अंदर जा सकता है या नहीं, इससे रिलेटेड जो रेटिंग है इसी को आईपी रेटिंग बोला जाता है। दोस्तों, बेसिकली इसमें चार कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला आई और पी, ये तो कॉमन है, इंग्रेस प्रोटेक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद दो न्यूमेरिक्स आते हैं। पहला न्यूमेरिक जो होता है उससे डिनोट होता है कि वो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसका हाउसिंग यानी कि उसका कवर जो है वो कितना कैपेबल है कोई भी डस्ट पार्टिकल यानी कि कोई भी धूल मिट्टी वगैरह से उसको बचाने में कितना सक्षम है। तो इसका रेटिंग 0 से लेके 6 तक होता है, 6 होता है इसका मैक्सिमम रेटिंग। दोस्तों, सिमिलरली आप ये पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। जैसे 0 अगर है तो उसमें कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, 1 है तो 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा कोई पार्टिकल है तो उसको रोक सकता है, उससे छोटा होगा तो वो रोक नहीं सकते। ऐसे ही 2, 3, 4, 5 और 6, 6 में जो है एकदम डस्ट टाइट है यानी कि उस डिवाइस केसिंग के अंदर कोई भी धूल मिट्टी अंदर नहीं जा सकता है यानी कि ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। दोस्तों, 4th डिजिट जो है वो डिनोट करता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस वाटर से कितना सेफ है यानी कि वाटर प्रूफ एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसका भी जो न्यूमेरिक का जो वैल्यू है 0 से लेके 9 तक मैक्सिमम हो सकता है। तो ये सिमिलर है 0 में, अगर आप चार्ट देख सकते हैं, जैसे 0 है तो उसमें कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, 1, 2, 3, 1 में थोड़ा सा हल्का फुल्का बारिश या थोड़ा सा पानी का छींटा गिर गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही डिफरेंट स्टेजेस है। बेसिकली आज के डेट पे सबसे ज़्यादा हमें जो दिखने को मिलता है 7, 8। तो 7 में आप अगर देखेंगे तो इसका 1 मीटर तक अगर सबमर्स करते हैं यानी कि 1 मीटर तक पानी के नीचे अगर लेके जाएंगे इस हालत में, ये मैक्सिमम 1/2 आवर तक सर्वाइव कर सकता है। दोस्तों, लास्ट डिजिट अगर 8 है तो आप ये 1 मीटर से ज़्यादा डीप में आप लेके जा सकते हैं। उसमें डिफाइन नहीं किया जाता है कि कितना है, वो मैन्युफैक्चर डिफाइन करता है कि उसमें मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हैं। ये मोर देन 1 मीटर है, पर बेसिकली ये 1.5 मीटर तक तो आसानी से जा सकता है। दोस्तों, आप अगर वीडियो की यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, एक छोटा सा काम और कर दीजिए, मेरा चैनल टेक इट इजी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियो मैं लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पर मिल जाएगा। और इससे क्या होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलता है नए नए वीडियो लेके आने के लिए। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। आज के डेट पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म है IP67 और IP68। मैक्सिमम यही दोनों टर्म अभी ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो आप खुद ही बता सकते हैं कि 67 और 68 में क्या अंतर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, IP67 है मतलब उसमें 6 है, पहला डिजिट 6 है यानी कि डस्ट से बिल्कुल प्रूफ है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। और 7 है यानी कि ये मैक्सिमम 1 मीटर तक अंडर वाटर लेके जा सकते हैं और 1/2 आवर तक उसको वहाँ पे एज इट इज़ रख सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं, अगर IP68 है तो इसमें अभी तक के नॉर्मली मार्केट में मिलने वाले जितने डिवाइस है ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, इसमें भी 6 है तो आपको डस्ट से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट डिजिट 8 है यानी कि आपको अंडर वाटर 1 मीटर से ज़्यादा लेके जा सकते हैं और 1/2 आवर तक उसको अंडर वाटर रख सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जब ये टेस्ट करता है तो उस टाइम पे एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर लिया जाता है यानी कि उसमें कोई भी मिनरल्स एडेड नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये है, आप इस ऐसा कोई डिवाइस जिसमें IP67 या 68 है इसको लेके आप समुंदर में नहा नहीं सकते, नमकीन होने का चांसेस है। दोस्तों, ये कोई भी सैलाइन वाटर, एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
दोस्तों उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आगे भी कोशिश करूंगा ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आने का। तो दोस्तों अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।